बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ औरंगज़ेब एंड आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फिज़िक्स एट गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज अटक। बीएससी ऑनलाइन क्लासेस के सिलसिले के 27वें लेक्चर के साथ हाजिर हूँ। आज के लेक्चर का टाइटल है द थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल। पिछले लेक्चर्स में आप पढ़ चुके हैं कि रिवर्सिबल इंजन या कैर्नो इंजन क्या होता है और उसकी एफिशिएंसी क्या होती है। हमने साबित किया था कि कैर्नो इंजन की जो एफिशिएंसी है वो सिर्फ टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वायर और टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वायर, जिन दो रिजर्वायर के दरमियान कैर्नो इंजन ऑपरेट करेंगे, उनके टेम्परेचर्स पर डिपेंड करती है और इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ वर्किंग सब्सटेंस। तो जो ऑर्डिनरी हीट इंजन होता है उसकी एफिशिएंसी किसके बराबर है? 1 - QL/QH, वेयर क्यू एल इज अमाउंट ऑफ हीट इजेक्टेड टू कोल्ड रिजर्वायर एंड क्यू एच इज अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्ब्ड फ्रॉम हॉट रिजर्वायर। तो QL/QH कैन ओनली डिपेंड ऑन टेम्परेचर फॉर रिवर्सिबल और कैर्नो इंजन। चूँकि ये जो रेशियो है ये सिर्फ टेम्परेचर ऑफ सोर्स और सिंक पे डिपेंड करती है और वर्किंग सब्सटेंस पे नहीं डिपेंड करती, लिहाजा दिस लेड केल्विन टू सजेस्ट अ न्यू स्केल ऑफ टेम्परेचर। तो केल्विन ने अपनी स्केल पर जो टेम्परेचर रिप्रेजेंट किए वो थीटा से रिप्रेजेंट किया। तो थीटा इज टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वायर एंड थीटा इज इट्स टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वायर। तो अगर थीटा एल और थीटा एच टेम्परेचर हों तो डिफाइनिंग डेफिनेशन क्या बनेगी, डिफाइनिंग इक्वेशन क्या बनेगी इस स्केल के लिए कि थीटा एल बाई थीटा एच किसके इक्वलेंट है क्यू एल बाई क्यू एच। थीटा एल बाई थीटा एच इक्वल टू क्यू एल बाई क्यू एच। ये रेशो ऑफ टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वायर टू द टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वायर इज इक्वल टू रेशो ऑफ अमाउंट ऑफ हीट इजेक्टेड टू कोल्ड रिजर्वायर टू द अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्ब्ड फ्रॉम हॉट रिजर्वायर। That is, two temperatures on this scale have the same ratio as the heats absorbed and rejected respectively by a Carnot engine operating between these two temperatures. Such a temperature scale is called thermodynamic or Kelvin temperature scale. To complete the definition of thermodynamic scale, we assign the standard value of 273.16 to the temperature of triple point of water. Temperature of triple point of water kya? Triple point of water kya hota hai? The temperature at which ice, liquid water and water vapor coexist in equilibrium. Water apni teeno state mein equilibrium mein coexist kar sake, us टेम्परेचर को हम टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट या ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कहते हैं। वाटर के लिए ये टेम्परेचर जो है वो 273.16 केल्विन, केल्विन स्केल के ऊपर 273.16 केल्विन। तो जो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर है उसको हम थीटा टी आर कह देते हैं। थीटा टी आर की वैल्यू क्या होगी? 273.16 केल्विन। टी आर ट्रिपल के लिए यूज़ किया है, यानी ये टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर है ऑन थर्मोडायनेमिक और केल्विन स्केल। देन फॉर ए कैर्नो इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन रिजर्वायर एट टेम्परेचर थीटा एंड थीटा टी। अब हम दो रिजर्वायर सेलेक्ट करते हैं, एक जिसका टेम्परेचर थीटा टी आर है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर और दूसरा रिजर्वायर जिसका टेम्परेचर थीटा है। तो हम थीटा एल बाई थीटा एच या थीटा एच बाई थीटा एल लिख सकते हैं क्यू एच बाई क्यू एल। इसी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दें आप थीटा एच बाई थीटा एल की जगह थीटा बाई थीटा टी आर, क्योंकि अब थीटा एल जो है वो थीटा टी आर बन गया और थीटा एच जो है वो थीटा है। तो थीटा बाई थीटा टी आर इक्वल होगा क्यू एच की जगह क्यू और क्यू एल की जगह क्यू टी आर। तो क्यू एच बाई क्यू एल इक्वल हो गया क्यू डिवाइडेड बाई क्यू टी आर। तो थीटा बाई थीटा टी आर इक्वल है क्यू बाई क्यू टी आर। थीटा टी आर कितना है? हम कह चुके हैं थीटा टी आर 273.16 केल्विन। तो थीटा टी आर की वैल्यू पुट कर दें आप और फिर दोनों तरफ आप 273.16 केल्विन मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी 273.16 केल्विन इनटू क्यू बाय क्यू टी आर, वेयर क्यू बाय क्यू टी आर इज अमाउंट ऑफ हीट
अब्जॉर्ब टू अमाउंट ऑफ हीट इजेक्टेड। ये रेशियो अगर आप जानते हैं तो स्केल के ऊपर आप थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। वी सी दैट ऑन द थर्मोडाइनमिक स्केल क्यू प्ले द रोल ऑफ थर्मोमीट्रिक प्रॉपर्टी। ये इन अदर वर्ड आप मेजरमेंट किसके लिए किसकी मदद से कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ हीट की मदद से, अमाउंट ऑफ हीट की मदद से। बट ये नॉट ओनली क्यू, असल में ये क्यू बाई क्यू टी आर है। तो हाउएवर क्यू डज नॉट डिपेंड ऑन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी सब्सटेंस बिकॉज द एफिशिएंसी ऑफ ए कैर्नो इंजन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ वर्किंग सब्सटेंस। तो क्यू बाई क्यू टी आर ये रेशियो अगर आप जानते हैं तो आप इस स्केल के ऊपर टेम्परेचर फाइंड आउट कर सकते हैं। जस्ट आपने एक हीट कैर्नो इंजन ऑपरेट करना है बिटवीन टू रिजर्वायर जिसका टेम्परेचर आपको चाहिए, और दूसरा रिजर्वायर जो आपने यूज़ करना है वो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर है। तो आप उन दोनों के दरमियान ऑपरेट करेंगे है कैर्नो इंजन, तो अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्ब टू अमाउंट ऑफ हीट इजेक्टेड ये आपने मेजरमेंट कर लेना है। तो यहाँ वैल्यू पुट करके आपके पास टेम्परेचर आ जाएगा। देयरफॉर वी ऑब्टेन अ स्केल ऑफ टेम्परेचर दैट इज फ्री ऑफ द ऑब्जेक्शन वी कैन रेज टू द आइडियल गैस स्केल एंड इन फैक्ट वी अराइव एट अ फंडामेंटल डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर। आगे हम जाके डिस्कस करते हैं और साबित करते हैं कि थीटा इक्वल टू टी है, इनफैक्ट कि टेम्परेचर ऑन थर्मोडाइनमिक स्केल इक्वल टू टेम्परेचर ऑन आइडियल गैस स्केल। तो डेफिनेशन ऑफ थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर एनेबल अस टू राइट द इक्वेशन फॉर द एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल इंजन। ये सिंपल इक्वेशन है, आप पढ़ चुके हैं कि ईटा बराबर है 1 माइनस QL बाई QH। तो एलसीएम ले लें, आपके पास बन जाएगा QH माइनस QL बाई QH। दूसरी तरफ ईटा बराबर है 1 माइनस थीटा L बाई थीटा H। तो 1 माइनस थीटा L बाई थीटा H इसमें भी आप एलसीएम ले लें तो आपके पास ईटा की वैल्यू आ जाएगी θH/θL/θH। तो ये आपके पास एफिशिएंसी है रिवर्सिबल इंजन की, ये थर्मोडाइनमिक स्केल के ऊपर। बट वी हैव शोन दैट द एफिशिएंसी ऑफ कैर्नो इंजन यूजिंग एन आइडियल गैस एज वर्किंग सब्सटेंस। अगर हमारे पास एक कैर्नो इंजन है जिसमें वर्किंग सब्सटेंस हमने आइडियल गैस यूज़ किया है तो उसके लिए भी ईटा किसके बराबर है 1 माइनस QL बाई QH इक्वल है 1 माइनस TL बाई TH। तो एलसीएम ले लें तो यहाँ पे भी ईटा की वैल्यू QH माइनस QL बाई QH आ जाएगा, और यहाँ पे भी एलसीएम ले लें तो ईटा की वैल्यू आ जाएगी TH माइनस TL/TH। इक्वेशन नंबर 1 और 2 इक्वेशन, इन दोनों को आप इक्वेट कर लें, कंपेयर कर लें। तो यहाँ से आप पहली इक्वेशन से जो रिजल्ट ड्राइव करते हैं वो है QH बाई QL बराबर है θH बाई θL। दूसरी इक्वेशन से जो आप रिजल्ट ड्राइव करते हैं वो QH बाई QL इक्वल θH बाई TL। ये जो दो इक्वेशंस हैं इनकी लेफ्ट हैंड साइड आप देखें इक्वल हैं, और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल होंगी θH बाई θL इक्वल टू θH बाई TL, दे आर आल्सो इक्वल। अब हम नेक्स्ट काम ये करते हैं, अब ये नोट कर लें कि θH बाई θL किसके बराबर है θH बाई TL। थीटा एल इज़ टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वायर, सिमिलरली टी एल इज़ टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वायर। हम टेम्परेचर सेट करते हैं कि कोल्ड रिजर्वायर हमारा ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर जो है उसका टेम्परेचर हम इस स्केल के ऊपर कहेंगे θTR और इस स्केल के ऊपर कहेंगे TTR। तो θTR और TTR दोनों टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर हैं, लिहाजा ये आर इक्वल टू 273.16 केल्विन। अब अगर आप इस इक्वेशन में पुट कर दें कि θH बाई θTR इक्वल हो जाएगा θH बाई TTR, तो यहाँ थीटा एच यूज़ करने की बजाय सिर्फ थीटा कह दें, θ/θTR इक्वल हो जाएगा, सिमिलरली यहाँ पे टी एच यूज़ करने की बजाय टी कह दें तो t/TTR, θ/θTR इक्वल है गया t/TTR। तो θ/θTR इक्वल है t/TTR, इसमें आप θTR जो है TTR ये 273.16 केल्विन पुट कर दें तो आपके पास जो रिजल्ट रह जाता है, डिनोमिनेटर इक्वल हो गए तो न्यूमिरेटर भी इक्वल होंगे, यानी थीटा इक्वल टू टी हो जाता है। तो थीटा इक्वल टू टी यानी टेम्परेचर ऑन थर्मोडाइनमिक स्केल इक्वल टू टेम्परेचर ऑन आइडियल गैस स्केल। तो इसका मतलब ये है कि द टू स्केल्स आर आइडेंटिकल, दोनों स्केल जो हैं वो आइडेंटिकल हैं। हेंस इफ एन आइडियल गैस वर अवेलेबल फॉर यूज इन अ कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मामीटर, ये कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मामीटर जो है ये HRK Edition 4 Chapter 22 है, उसमें ये टॉपिक मौजूद है, अगर आप पढ़ना चाहें डेफिनेटली Edition 5 में भी मौजूद है,
वॉल्यूम वन चैप्टर 22 और एडिशन 4 या एडिशन 5 देख लें। तो इफ आइडियल गैस स्केल वर अवेलेबल फॉर यूज इन अ कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मामीटर, द थर्मामीटर वुड यील्ड द थर्मोडायनामिक और केल्विन स्केल। यानी अगर हमारे पास आइडियल गैस मौजूद होती और उसे हम कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मामीटर में यूज़ करते तो जो टेम्परेचर था वो थर्मोडायनामिक या केल्विन स्केल वाला टेम्परेचर था। वी हैव सीन दैट ऑल्दो एन आइडियल गैस इज नॉट, तो आप जानते हैं आइडियल गैस तो मौजूद नहीं है, मेजरमेंट मेड यूजिंग द लिमिटिंग प्रोसेस विद रियल गैस करस्पॉन्ड टू द आइडियल गैस बिहेवियर। कि हम एक लिमिटिंग प्रोसेस ले लें, लिमिट लगा लें, हम थोड़ा सा सपोज कर लें और आइडियल गैस की बजाय रियल गैस का इस्तेमाल करें जो उसके करीब तरीन हो, तो हमें सिमिलर रिजल्ट मिलते हैं। वी शैल ट्रीट द आइडियल गैस स्केल एंड द थर्मोडायनेमिक गैस स्केल आर आइडेंटिकल एंड वी शैल यूज द डिजिग्नेशन के। हम यहाँ पे के यूज़ करते हैं इंटरचेंजेबली। तो थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है एंट्रोपी एंड रिवर्सिबल प्रोसेस। तो हमने एक नया स्टेट फंक्शन जो है वो स्टडी करना है, लेकिन उससे पहले हम स्टडी करेंगे क्लॉसियस थ्योरम।